देहरादून से है। जहां क्रिमिनल मामलों के विशेषज्ञों के अनुसार अंकिता केस मजबूत है, रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने से केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्राइम सीन रिजॉर्ट में नहीं है। धारा 27 के तहत आरोपियों की निशानदेही पर बॉडी रिकवरी की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकिता के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं और पानी में डूबने से मौत दिखाई गई है। संभवतः अंकिता के साथ मारपीट किया और फिर उसे नहर में धकेल दिया गया। एसआईटी गठित हो चुकी है और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। जैसा कि कुछ मीडिया ग्रुपों में पोर्टल में ये चल रहा है कि रिजॉर्ट में साक्ष्य मिटाए गए हैं, मैं सभी लोगों को इंश्योर कर रहा हूं कि 22 तारीख को ही हमारी टीम ने, हमारे आईओ ने रिजॉर्ट में जाकर के सारी वीडियोग्राफी करी है जहां बिटिया रहती थी जिस कमरे में, और अगली सुबह हमारी फॉरेंसिक टीम ने सारे जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जो साइंटिफिक एविडेंस है, उसको कलेक्ट कर रखा है। कहीं किसी भी प्रकार का कोई एविडेंस डिस्ट्रॉय नहीं हुआ और हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य हैं जिससे हम अपराधियों को उनके अंतिम अंजाम तक पहुंचाएंगे।